दोस्तों, जैसा कि बिहार फायरमैन का एक बार फिर से एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। दोस्तों, जैसा कि बताया जा रहा है कि बिहार फायरमैन का एक बार फिर से एग्ज़ाम होगा। दोस्तों, उसके बारे में आज हम जानेंगे। जैसा कि दोस्तों, एक 6 तारीख जो कि अगस्त में दिया गया है PDF जो नोटिफिकेशन जारी किया है CSBC ने, देखते हैं उसमें क्या जारी किया है। जैसा कि दोस्तों, नोटिस में जारी किया गया है कि केंद्रीय चयन परिषद सिफाई द्वारा बिहार अग्निशमक के 2380 पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा इस परीक्षा संबंधित केंद्र संख्या 2601 एमजे के कॉलेज बेतिया से द्वितीय पाली से संबंधित 194 OMR सीट जो है अप्राप्त हुए थे। मतलब कि 194 जो कैंडिडेट है उनका OMR सीट प्राप्त नहीं हुआ था। उन्हीं कैंडिडेट का फिर से एक बार एग्ज़ाम होगा जो कि कार्यक्रम अनुसार पटना में आयोजित की जाएगी। जैसा कि दोस्तों, यहाँ पे दिनांक भी दे दिया गया है और किस तारीख को होगा, कितने बजे से होगा यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसा कि दोस्तों, यहाँ पे लिखा है दिनांक 28 तारीख 8 का महीना और 2022 को, यानी कि रविवार के दिन 28 को 10 बजे पूर्वाहन से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे का एग्ज़ाम है। 9 बजे यहाँ पे अभ्यर्थियों को रिपोर्टिंग करना है। और यहाँ पे दोस्तों केंद्र का नाम भी दे दिया, जैसे कि सर गणेश दत्त मेमोरियल कॉलेज ऐसा दे दिया गया है। उसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा में दिया है ई प्रवेश पत्र में दिया गया है कि कोई भी आयोजित परीक्षा के लिए जारी किए गए प्रवेश पत्र दिनांक 28/8/2022 को आयोजित पूरक परीक्षा मान्य होंगे। उम्मीदवार के पुराने ई प्रवेश पत्र, जो पुराना ई प्रवेश पत्र है उससे काम नहीं चलेगा। परिषद की वेबसाइट, जो कि वेबसाइट ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, जैसे कि हम रुकिए दिखा देते हैं आपको, जैसे कि ब्लू कलर में आपको देख सकते हैं, इस वेबसाइट पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। स्पष्ट किया गया है कि डाक द्वारा प्रवेश पत्र भेजा नहीं जाएगा, डाक द्वारा आपके यहाँ नहीं जाएगा प्रवेश पत्र, आपको स्वयं ही जाके साइबर कैफे या कहीं से भी आप जाके डाउनलोड करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। ई परीक्षा में साथ ही आपको एक वैध फोटो पहचान पत्र में मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। ई प्रवेश पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं है। यदि आपका ई प्रवेश पत्र जो है उस पर फोटो आपका स्पष्ट नहीं है तो आपको 2 फोटो लेकर जाना होगा साथ में, जो 2 महीने के अंदर खींचा गया हो। ये नहीं कि आप 3-4 महीना पहले का लेकर जाएं तो फिर जो भी 194 कैंडिडेट हैं उनको परेशानी होगी। जो अभ्यर्थी किसी कारण अपना ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सके तो वे दिनांक 26/8/2022 को पूर्वाहन 10 बजे से संध्या 5 बजे तक केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के हार्डिंग रोड में जाकर आप हार्डिंग रोड मोड़ जो है सचिवालय हाल के निकट पटना स्थित कार्यालय में अपना खर्च पर ई प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं। चौथा नंबर दिया है दिनांक 27/3/2022 रविवार को लिखित परीक्षा MJ कॉलेज बेतिया के जिन 194 अभ्यर्थियों की पूरक परीक्षा 28/8/2022 को आयोजित की जा रही है उनके अनुक्रमांक एवं नाम नीचे प्रकाशित किए जा रहे हैं। परीक्षा केंद्र, परीक्षा तिथि एवं समय के अतिरिक्त अन्य सभी निर्देश एवं शर्तें यथावत रहेगी। कोरोना संक्रमण से जो बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, जो भी अभ्यर्थी जाएंगे वहाँ पे कोविड जो बचाव है संक्रमण के लिए आपको दूरी बना कर रहना है। अनावश्यक रूप से हाथ किसी को नहीं लगाएं, मास्क पहन कर रहना है, हैंड सैनिटाइजर ले सकते हैं और अपने साथ एक छोटा सा जल बोतल भी ले सकते हैं पानी का। प्रशासन द्वारा इस संबंध में निर्गत सभी निर्देश का कड़ाई से पालन करेंगे, ये नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे कॉलेज का नाम भी दे दिया गया और ये देखिए इतने लोगों का, जो 194 लोग हैं उनका नाम भी दे दिया गया है, इसमें से आप देख सकते हैं कि आपका है या नहीं। दोस्तों, और हम अगली वीडियो में आपको ये बता देंगे कि कैसे जो है एडमिट कार्ड इसका डाउनलोड करना है। दोस्तों,
कमेंट में आप जरूर लिखें कि आप को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने आ रहा है या नहीं, तो हम डाउनलोड करना आपको बता देंगे। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।